आसान मैया की पूजा ख़त्म हुई तो हमने सोचा कि ज़्यादा दिन बचे नहीं, 2 दिन बचे थे लखनऊ से निकलने में, तो सोचा कि कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे मिल लिया जाए, बिकॉज टाइम भी नहीं था हमारे पास। दुनिया भर के कड़ी पत्ता है अंदर। पापा तो आ जाता कहती तो, लेकिन ये बहुत ही ठीक ए लड्डू, कपड़ा अच्छा लग रहा है, रंग बहुत सुंदर लग रहा है। ये नीचे का तुम्हारे पास ऐसा था भी नहीं। कैसे चढ़ा कहा उतरना है? देखिए क्रॉसिंग क्रॉस करते हुए ट्रेन नहीं है। भाग 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 भाग। इसको बोलते हैं बनेली वाला काम। इसको बोलते हैं बनेली वाला काम। चलो क्या मस्त गोलगप्पे वाला गोलगप्पे लेके जा रहा है इतना सारा। जर्मन शफर्ड कितने खतरनाक दिखते हैं, बट ये पहला जर्मन शफर्ड जो मैंने सामने से देखा और जो कुछ नहीं करता, काटता तक नहीं। आई मीन शी वॉज फीमेल तो काटती भी नहीं है, बट देखने में कितना ख़तरनाक लग रहा था सामने से मुझे ही पता है, बट शी वॉज वेरी क्यूट। यहाँ मास्टर जी बैठ गए हैं मशीन चलाने के लिए। मशीन चलाएंगे और सिलाई करेंगे एकदम शिद्दत के साथ। पेन मशीन सब छू रहे थे, इनको छूने की बीमारी हो गई है, सब कुछ छूते रहते हैं। देखिए देखिए कैसे मशीन चला रहे हैं, सब कुछ लगा पड़ा है। अगले दिन पूजा थी संकटा माता की, तो ये है पूरा सेटअप और उसमें चढ़ता है पेड़ा और ये आप देख सकते क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो ये था कलश, कलश के अंदर डाला था हल्दी रोली जल में और ऊपर पत्ता है, ऊपर चावल, फिर उसके ऊपर दिया, फिर रोली सिंदूर सबसे टीका गया और यहाँ पे मैं सब पत्तों को भी टीक रही हूँ, आई मीन टीका कर रही हूँ, हमारे यहाँ कहते टीक रही हूँ। तो टीका करने के बाद के बाद दीपक जलाएंगे, बाकी तो सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। बाकी जो भी एक्सेप्शन है जो नहीं पता वो मैं बताऊंगी अभी। ये पूजा एक्चुअली ऑफकोर्स मैंने बिहार में तो कभी नहीं देखा, ये मैंने यहीं देखा है लखनऊ में। और कहते हैं कि ये पूजा वाकई मतलब बहुत शक्ति होती है, संकटा माता यानी आपके संकट को दूर करने वाली, आसान मैया यानी आपकी हर हर जर्नी को आसान करने वाली। तो ऐसे कई माताओं की पूजा होती है और कई जगह मैंने सुना है इनके मंदिर भी हैं, यू नो यूपी में स्पेशली कहीं ना कहीं इनके मंदिर भी हैं। मैंने एक जगह देखा था, शायद बनारस में एक मंदिर है संकटा माता का। तो ऐसे करके मतलब ये पूजा माताओं की होती है। अब मैंने जो संकटा माता का वो दो बनाया गया है उनको, एक्चुअली वो घी से बनाया गया पहले, फिर मैंने उसमें थोड़ा चावल रोली डाल के उसकी पूजा की, फिर कलश को अभी टीका कर रही हूँ। और जब ये इसका टीका हो जाएगा तो हर चीज़ का टीका करना है, मतलब वहाँ पे जो जो चीज़ रखी उन सबको एक बार टीकना ही है।
अब बारी आती है कथा की किताब को पूजा करने की, तो उसको भी मतलब उस पर भी चावल रोली ये सब चढ़ाया गया था, तो अभी मैं इस पर सिंदूर चढ़ाऊंगी। सिंदूर चढ़ाने के बाद बाकी सब चीज़ें भी चढ़ाएंगे, जैसे कि फल, सॉरी नॉट फल, फूल और ज़रा सा जल से आचमन ये सब किया था। एक्चुअली आंटी रिकॉर्डिंग कर रही थी, उनकी दो उंगलियाँ सामने आ रही हैं तो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। उनको भी एक्चुअली आइडिया नहीं था कि उनकी उंगली सामने आ रही है, ये मैंने बाद में देखा रिकॉर्डिंग के बाद। अच्छा तो ये ओके, मैं अभी सिंदूर चढ़ा रही हूँ। आई थिंक संगठा माता का की उनकी प्रतिमा बनाई है। हमारे पड़ोस में किरण आंटी रहती हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको काफ़ी ज़्यादा फीवर था, कोल्ड था, इसलिए मतलब शी वॉज़ वेरी डल और आराम कर रही थी, मतलब उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ज़्यादातर, बट फिर भी वो आई और इस पूजा का पार्ट बनी। अच्छा, यंगस्टर्स को बहुत कुछ नहीं पता जो हमारी मम्मी आंटी ये लोग फॉलो करते हैं पूजा करते वक्त। अब जैसे मुझे नहीं पता था कि सिंदूर को आंचल में लेके मतलब टीका करना होता है, मैं तो सीधा हाथ में लेके टीका करती हूँ, अभी भी कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन उन्होंने बताया कि सही तरीका जो शादीशुदा औरतें हैं उनके लिए सही तरीका है कि आप अपने आंचल में लेके सिंदूर दान को लेके फिर आप पूजा करो या कहीं पे टीका लगाओ। तो ये तरीका एक्चुअली जो मुझे पता नहीं था, बट हाँ अब मुझे एक्चुअली फॉलो करना चाहिए। अब बारी है श्रृंगार का सामान चढ़ाने की, तो श्रृंगार के सामान में लाल चूड़ी थी जो चढ़ाया मैंने। अब दो बार गंगा जल से आचमन किया और उसके बाद इसमें होता ये है कि आपको जो ये पेड़ा इस सब डब्बों में पेड़ा रखा है, तो सात औरतें थीं और सबके हिस्से दो दो पेड़े का डब्बा था, तो दो पेड़े का डब्बा मेरे लिए भी था और उन दोनों डब्बों में से थोड़ा थोड़ा, आप देखो पीछे आंटी, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो एकदम फीवर से तड़प रही थी, इतनी उनकी तबीयत ख़राब थी। तो ओके, तो अभी ये श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाएगा, चूड़ी, नेल पेंट, सिंदूर। और ओके, तो मैं ये बता रही थी कि इसमें होता ये है कि पेड़ा जूठा करना होता है आपको, पेड़ा वही मुँह में एक एक पेड़ा डाल के पानी पीना होता है, और जूठा करने से पहले आपको भगवान को चढ़ाना है, उसके बाद आप खा सकते हो। तो ये है पूरा मतलब इसका विधि, बाकी आप यू नो देखो सारा।
होगा तो आप देख लो उसका औषधि का नंबर है। हम तो आ गए जब लोग खुला तो रखा है। अरे मैं आवाज दे के आया हूँ पूजा में भी पान चढ़ता है तो दो पान खोल के मैंने दोनों भगवान को चढ़ाया। तो मतलब एक दिन पहले आसान मैया की पूजा हुई उसमें भी पान चढ़ा। बुढ़िया तुम फिर दुख के कारण बराबर होती रहती हो। बुढ़िया ने कहा ये माता एक तरफ से हो जाता है ये हमारा थोड़ा सा हमने फिर से गुड़ और घी से हवन किया। जग जम्ब इधर भी देखो जरा मैं शरण तुम्हारी आई हूँ। मैं शरण तुम्हारी आई हूँ विपदा की मारी हूँ मैया। विपदा की मारी हूँ मैया दुख दर्द सुनाने आई। लाल ही जोड़े में उतरी है सब लाले लाले माता जी का जोड़ा उतर लीजिए लगा ले लीजिए। किसी को चाहिए हरी भी तो हरी भी मिलेगी उसमें रखी है मुँह में डालो मेरा तो ये लीजिए तो 500 के दाना इधर दीजिए। पान कम है नहीं कम नहीं कम कुछ नहीं। अब ये बेडशीट मोड़ा जा रहा है यानी माता के चरण दबाए जा रहे हैं। पूरा माता का आशीर्वाद उनके चरण दबा रहे हैं। मैया जी के चरण दबाने को मेरा दिल करता है। ब्रह्मा जी ने पूजा इस चरणों ने ब्रह्मा जी ने पूजा उनके शीस झुकाने को मेरा मन करता है। उन पर शीस झुकाने को मेरा मन करता है। आप सबको चाय पिला जाएगा। लास्ट में हुआ समोसा पार्टी बिकॉज सब फास्ट में थे। यहाँ पे मुरमुरे पार्टी चल रही है। कह रहे मुरमुरा पार्टी चल रहा है यहाँ पे। खाओ खाओ। मैंने मुरमुरा पार्टी चलता है। छोटू हमारा बहुत बदमाश हो गया है। हर एक अलमारी को खोल देता है। मम्मी बांध देती है वो भी खोल दिया। खोल के सामान निकाल के धूप बत्ती निकाल के मुंह में खा पहले ही खा ले तो फूल जाए तो और ही लौकी पता मम्मी चार दांत एकदम साफ पता चल रहा है। आयो दांत ऐसे नहीं पसंद है इसको पता चल रहा देख रहे हां काट ले दो दांत ऊपर के दो दांत नीचे के लगाए देखे फोटो खींच।